हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम सुगंधा है और आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट और आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन के बीच रिलेशनशिप निकालते हैं। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट साइंस है? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? हम इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हम इन तीनों को बोलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम इन तीनों पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आर्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट क्या है? आर्ट स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज है टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। हम इसे और अच्छे से समझेंगे फीचर्स के थ्रू। द बेसिक फीचर ऑफ एन आर्ट आर इज फॉलो। फर्स्ट, एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, लास्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इन तीनों फीचर को हम एक एक करके समझेंगे। आर्ट के पहले फीचर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, कोई भी थ्योरी नॉलेज पहले से एग्जिस्ट हो जिसके बेस पे हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए म्यूजिक, म्यूजिक में हम पहले क्या सीखते हैं? म्यूजिक के 7 नोट्स सीखते हैं, 7 सुर, सारे गामा पा। उसी के बेस पे हम म्यूजिक सीखते हैं ना। तो सारे गामा पा पहले से एग्जिस्ट थियोरेटिकल नॉलेज है जिसके बेस पे हम म्यूजिक सीखते हैं। सो अंडर दिस फीचर आर्ट presupposes the existence of certain theoretical knowledge. Presupposes, यहाँ presupposes मतलब क्या? धारणाएं, means जो पहले से exist theoretical knowledge है उसी को धारणाएं बनाकर हम काम करते हैं। Next, expert in their respective areas have derived a certain basic principles which are applicable to a particular form of art. एक्सपर्ट हमेशा अपने रिस्पेक्टिव एरियाज के अकॉर्डिंग कुछ फीचर डिसाइड करते हैं और उन्हीं को वो थियोरेटिकल नॉलेज में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। पहला एग्जांपल हमने किसका लिया था? म्यूजिक का लिया था ना। म्यूजिक में हम क्या करते हैं? पहले म्यूजिक के 7 सुर लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर उसी के बेस पे हम म्यूजिक सीखते हैं। तो यहाँ पे 7 नोट्स क्या थे? पहले से एग्जिस्ट थियोरेटिकल नॉलेज था। सो चलिए हम चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ। सेकेंड नेचर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बेसिक नॉलेज होती है उसे हर इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बिजनेस स्टडी का पेपर चल रहा है एंड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। हर बच्चे के लिए क्वेश्चन सेम है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा अपने तरीके से आंसर शीट पे प्रेजेंट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट सेम रहेगा, लेकिन उसे जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है हर एक स्टूडेंट का वो डिफरेंट रहेगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट का ये है कि बेसिक नॉलेज सेम है बट उसे लोग डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर और टू राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डेमोंस्ट्रेटिंग देयर आर्ट। एंड लास्ट फीचर इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। लास्ट फीचर क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
चलिए इसके अंदर क्या है देखते हैं। पहला, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। आर्ट क्या है? सारी की सारी आर्ट प्रैक्टिकल है। आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट क्या इन्वॉल्व करती है? क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। कहने का मतलब है, जो भी थियोरेटिकल नॉलेज लेके आए हैं उसको कैसे क्रिएटिविटी के साथ यूज करते, वही तो हमारी आर्ट है। वी नो डैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट। हमें पता है कि म्यूजिक 7 नोट्स पे डिपेंड करता है। हाउ एवर वॉट द मेक द कंपोजिशन ऑफ म्यूजिशियन यूनिक और डिफरेंट इज हिज यूज ऑफ दीज नोट्स इन अ क्रिएटिव मैनर। क्या है? क्रिएटिव मैनर, डैट इज एंटायरली हिज ओन इंटरप्रिटेशन। ये हमारे 3 बेसिक फीचर थे आर्ट के। एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी हमने क्या पढ़ा? आर्ट किसे कहते हैं? अब हम क्या पढ़ेंगे? इज मैनेजमेंट एंड आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? आर्ट हम किसे कहते हैं? जब आर्ट के फीचर्स किसी में अप्लाई हो रहे हो तो उसे आर्ट कहते हैं। तो हम मैनेजमेंट को कब आर्ट कहेंगे? जब आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट में अप्लाई होंगे तो हम मैनेजमेंट को आर्ट कहेंगे। उसी बेस पे कुछ पॉइंट है जिसके बेस पर हम ये मानते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला क्या है? इन एन आर्ट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट की पहली फीचर हम लोग ने क्या पढ़ी थी? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सिमिलरली इन मैनेजमेंट वेरियस थ्योरीज वर प्रोपाउंडेड बाय मैनेजमेंट थिंकर इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस एक्सेट्रा। मीन्स मैनेजमेंट के वेरियस एरियाज होते हैं लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस एक्सेट्रा, जिसमें ऑलरेडी लिटरेचर थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट होते हैं। उसी को मैनेजर बेस बनाकर अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में स्पेशलाइज बनते हैं। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से डैट इन मैनेजमेंट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। पहला पॉइंट में एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज फुलफिल हो रही है। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज हर पर्सनल स्किल्स नॉलेज इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस। एवरी मैनेजर अपने डे टू डे फंक्शनिंग में पर्सनल स्किल एंड नॉलेज अप्लाई करते हैं। बट स्किल एंड नॉलेज सेम होती है, हर एक मैनेजर उसे अपने तरीके से यूज करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आर्ट की सेकेंड फीचर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन फुलफिल कर रही है यहाँ मैनेजमेंट में। थर्ड पॉइंट क्या है? लाइक एन आर्ट मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिविटी। आर्ट की तरह मैनेजमेंट भी एक क्रिएटिविटी है। एज इट ब्रिंग सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मेक्स रिसोर्सेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबल, मोल्डिंग द एटीट्यूड ऑफ पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आर्ट की थर्ड फीचर भी फुलफिल हो रही है। तो इन तीनों पॉइंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। सो आज हमने क्या पढ़ा? नेचर ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगला टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट एज अ साइंस, इससे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।